वालिद साहब ना बात नहीं करते मेरे मामू वगैरह से, तो मेरी मामा चाहती हैं कि उसके लिए भी कुछ मिलता अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी हमेशा खुशियां दे। आप एक काम रहे। करें, हस्बी अल्लाह आमीन ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कल तो वह रब्बुल अर्शिल अजीम। जी ये एक बहुत मुबारक, बहुत अमल और बात बहुत लाजवाब वजीफा है। जी इस मुबारक अमल वजीफे को तवज्जो से करें और बहुत यकीन और ध्यान से करें। बस आप सबकी दुआओं में और इसके जी अलावा अबकरी किस से पहले जितने वज़ायफ़ आप पढ़ रहे हैं उन जी वज़ायफ़ की भी आपको इजाज़त है जी और अल्लाह की रहमत से उनकी तासीर भी, इजाज़त भी। ये बताएं आपने जी अबकरी तस्बीह खाने से क्या पाया? हजरत, आज बल्कि मैंने कल वो परिंदे को पानी डाल के कहा था मेरी बात हो जाए आपसे, और आप यकीन करें मेरी कॉल मिल गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं आपको वो बताया वोट का इलायची और मेथरे वाला। और इलायची और मेथरे वाले का क्या हाँ जी, फायदा वो हुआ? अच्छा टोटका है, बहुत अच्छा, वो मुस्तकिल 3-4 दिन इस्तेमाल करें, नतायज आपके सामने होते हैं। क्या फायदा हुआ आपको अल्लाह वाले? उससे मेरी बवासीर भी ठीक हो गई, उससे और ये स्किन भी ठीक हो जाती है, टाइटनिंग की तरफ आ जाती है। आपके अरे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको हमेशा अपनी रहमत में खसूसी सबको रखे, ऐसे ही सबको आमीन नफा दे जो आपको हुआ है। बस हमेशा आमीन नफा आमीन उसको होता है जिसके मिजाज में कदरदानी है, और कदरदानी करने बिल्कुल वाला कभी महरूम नहीं रहता।